इस्तेमाल में रहता हूँ। द टुडे इज आई केम टू वन डे विजिट इन सर जमीन चौक कुरैशी मई दबांग एंट्री फॉर वन डे। आज शौकत भिखारी की एक रोजा दौरे पर चौक कुरैशी में मेरी दबंग एंट्री हुई। ऑन रिस्पेक्टफुल हकीम माहर रफीक अहमद साहब, जो माहर हकीम माहर रफीक अहमद साहब की दुकान रफीक दवाखाना पंसार की दुकान पर मेरी दबंग एंट्री हुई। आई आस्क टू ऑल ओवर द पीपल ऑफ चौक कुरैशी, प्लीज यू कैम इन दिस शॉप एंड यू बाई ऑल दी मेडिसन होलसेल रेट। मैं पूरे चौक कुरैशी से अपील करूँगा कि आप रफीक दवाखाना पंसार एंड होमियो स्टोर की दुकान पर तशरीफ लाएँ। हमारे यहाँ शहद, मुरब्बा जात, अरकियात, मशरूबात, माजून, रोगनियात, नीज हमार किस्मी देसी जड़ी बूटियाँ, सर बंद देसी अद्वियात होलसेल रेट नहायत ही रियायत के साथ लें। इस दुकान का अता पता है शाजमाल रोड, ये वो शाजमाल है जो मेरा इलाका है, शाजमाल रोड नजर्द जराई बैंक चौक कुरैशी। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी दुकान है और इज्जत माब जनाब हकीम माहर रफीक अहमद साहब बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे हकीम हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम जड़ी बूटियों की दवाई हमेशा के लिए रियायत के साथ देंगे और अपने कस्टमर का बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं तमाम चौक कुरैशी परितामाला शरीफ छाजरे जितने ये चौक कुरैशी के नवाई इलाके हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि पहले तो अल्लाह ताला आपकी सेहत की बात सही करें। अगर खुदा ना खास अगर आप बीमार भी हो जाएं तो आपने सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों की दवाई, कोई भी मेडिसन, कोई भी दवाई हो, सिर्फ और सिर्फ रफीक दवाखाना पंसार एंड होमियो स्टोर पर चौक कुरैशी में तशरीफ लाएं। आए मैं आपको इज्जत माब जनाब हकीम माहर रफीक अहमद साहब का सेल नंबर, इनका मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ। किसी किस्म की दवाई का रेट पूछना हो या किसी बीमारी का रह या किसी बीमारी का इलाज पूछना हो तो आप इनसे फ़ोन भी कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 003076956622, उर्दू में 03076956622। तो जितने भी शौकत भिखारी के फैन हैं आप इनकी दुकान में तशरीफ लाएं, हम आपको तमाम दवाइयाँ नहायत रियायत के साथ देंगे। मई बार के कंटिन्यू टू दी बैगरिंग, मेरा काम है भीख मांगना डेली 1000 इन मुल्तान, मैं रोज का 1000 मुल्तान में कमा रहा हूँ। आफ्टर 30 डेज 30,000 मैं 30 दिन का 30,000 रुपया कमा रहा हूँ। आई डू नॉट वेस्ट पेट्रोल डीजल CNG एंड ऑयल। शौकत भिखारी का ना तेल सर दे ना डीजल सर दे ना CNG सर दे। एंड ऑल्सो माई फूड इज फ्री ऑन एनी होटल ऑफ मुल्तान और मेरा मुल्तान के किसी इधर कैमरा घुमाओ और मेरा मुल्तान के किसी होटल पर खाना पीना भी फ्री है। वन मैन इज ये इज्जत माब जनाब हकीम माहर मोहम्मद रफीक साहब की दुकान का अंदरूनी माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छी दवाई है, ऐसी दवाइयाँ आपको पूरे जिला मुजफ्फरनगर क्या पूरे चौक कुरैशी में नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ हकीम माहर मोहम्मद रफीक अहमद साहब की दुकान पे हमेशा के लिए मिलेगी। तो देर ना कीजिए, हम आपकी तशरीफ आवरी का इंतजार करेंगे। वन मैन इज आक्समी वो शौकत भिखारी वही है जो डिमांड ओनली मंदिर कि तेरी एक रुपये की क्या फिल्म है, तुम एक रुपया क्यों मांगते हो। आई थिंक इन हिज पॉकेट दो चिंटू मंदिर ऑफिस। मुझे पता है कि आजकल सरकार के दौर में एक रुपया किसी की जेब में खुला होता नहीं है। देन ही गेव मी 5 and 10 rupees, तब कोई मुझे 5 या 10 rupees देंगे। ऑल दी 1000 इज गोइंग टू माई अकाउंट। शौकत भिखारी का रोज का 1000 मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है। एट दिस टाइम माई टोटल बैलेंस इज इन माई अकाउंट 30,620,345। शौकत भिखारी ने भीख मांग मांग कर अपना कुल बैलेंस बना लिया है 36,20,345। इसके अलावा मैं अपने अजीम से अजीम लीडर, गरीबों का रहनुमा, मजदूर रहनुमा,
पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के चेयरमैन इज्जत माफ जनाब जमशेद अहमद तस्की साहब को उनकी कल जो रात उनकी जो बारात पिशावर में गई थी, हमारी भाभी पिशावर से खैर से जिला मुजफ्फरनगर में पहुंच चुकी है और आज पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद अहमद तस्की साहब का दावत वलीमा है। मैं पूरे पाकिस्तान को इस दावत वलीमा में हमेशा से इन्वाइट करता हूँ, दावत देता हूँ जमशेद अहमद तस्की को नई जिंदगी, जो जोड़ियाँ हमेशा हमेशा के लिए, एक आप और एक हमारे पिशावर की भाभी, इन दोनों को अल्लाह ताला नई जिंदगी मुबारक करे और जमशेद अहमद तस्की साहब को शौकत भिखारी इज्जत मत जनाब डॉक्टर हकीम रफीक अहमद साहब की तरफ से शादी की तहजल के साथ मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और ये दुआ करना चाहते हैं कि अल्लाह इस कपल को, इन दोनों को हमेशा अच्छी और अच्छी जिंदगी, हमेशा अल्लाह इनको और तकलीफ दे और ये जमशेद अहमद तस्की साहब की शादी हमेशा मुबारक हो और एक साल के बाद अल्लाह ताला उनको एक शांत का चाहता मिलना बेटा भी दे। मैं जमशेद अहमद तस्की का सबसे बड़ा फैन हूँ, ये वो सरजमीन है जो पूरे किया है जिसने इनको करों के मुकाबले में इलेक्शन जितवाया था, ये नए नए आए थे 2007 में इस चौक पूरे की सरजमीन में जमशेद को अरूज पे ले आया गया। मैं दोबारा सरजमीन चौक पूरे की तस्वीर करूँगा जिस तरह आपने 2007 के इलेक्शन में करुण को हराया और जमशेद अहमद तस्की को जितवाया, इसी तरह दोबारा आप आने वाले जो इलेक्शन है 2023 के सितंबर अगस्त में तकरीब आप जमशेद अहमद तस्की को सरजमीन चौक पूरे की 2007 का जो पीरियड है वो दोबारा दोहराएं और उनको उसी तरह से इलेक्शन जितवाएं हमेशा इनको जितवाया था और ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको आने वाले इलेक्शन में हमेशा इज्जत दे और अपने MPA की सीट पर इज्जत माफ जनाब डॉक्टर शेख अब्दुल रशीद साहब पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के वाइस चेयरमैन कानगढ़ वाले अल नूर अस्पताल के प्रोफेसर पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शेख अब्दुल रशीद साहब को MPA की सीट पर दोबारा इसी जहाँ मैं बैठा हूँ सर जमीन चौक पूरे जीते दोबारा जय समय। मैं सबसे बड़ा फैन हूँ जमशेद अहमद तस्की का, मैं दोबारा कहूँगा कि आप इस माहर डॉक्टर रफीक अहमद साहब की दुकान पर तशरीफ लाएँ और तमाम जड़ी बूटियों के और देसी दवाएँ आप हम चलें आस पास पाकिस्तान सर जमीन चौक पूरे की जिंदाबाद।